क्या होगा अगर कैंग दी कॉन्करर थॉर और गोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दिनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। मार्वल का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर डीमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो गोस्ट राइडर या एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, थॉर और गोस्ट राइडर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस गोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नेथानियल रिचर्ड है और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरियंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नेथानियल रिचर्ड्स है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पुर्जों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशियंट इजिप्ट में, पर फिर वो वहां से वापस आने अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नेथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए, और क्योंकि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग दी कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है। जिसके बाद नेथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है, पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहां पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे, जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग दी कॉन्करर बना है, वो एवेंजर्स से बहुत बुरी तरह से हारता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नेथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है, बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नेथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नेथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग दी कॉन्करर। पर वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इन सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरियंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरियंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। पर कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन में शिफ्ट कर देती है, जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं, और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं गोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गोस्ट राइडर कितना
इतना पावरफुल है। तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो की एक डिमोनिक सोल है जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहाँ पे सभी बुरी सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया विश्वास से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि घोस्ट राइडर ने अगर गलती से अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ पर से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और चीजों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, इंस्टेंट हीलिंग और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। इसके अलावा घोस्ट राइडर सिर्फ किसी की आंखों में देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब, हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है, या किसी को सिर्फ देखकर उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जला सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनका सिर्फ टच होती है वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसकी बॉडी को हेल फायर से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और अपना जीवन पूरा सिर्फ हट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है, पर अगर समाओ कोई उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं बनेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स। और घोस्ट राइडर और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि एमसीयू का नया सुपर विलन और मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है, पर दूसरी तरफ घोस्ट राइडर जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। कैंग फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने अटैक और फ्यूचर के एडवांस वेपन पर घोस्ट राइडर पर उसका कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जल ही रही है तुम उसका क्या ही कर लोगे। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाकर घोस्ट राइडर को बचपन में मारने की कोशिश कर सकता है, पर घोस्ट राइडर का पावर सोर्स ज़ेराथोस है जो कि एक डेमोनिक सोल है और वो मरकर हेल से ही आई है, इसलिए वो उसे दोबारा से नहीं मार सकता। और अगर कैंग घोस्ट राइडर के होस्ट टोनी ब्लेज को मारने की कोशिश करता है तो वो उसे इजिली मार सकता है, पर इससे घोस्ट राइडर नहीं मरेगा बल्कि टोनी ब्लेज की फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। कैंग के पास एडवांस वेपन और टैग है पर उसका टैग उसे हेल और हेवन के बारे में नहीं बताता और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देता है। और इवन अगर कैंग दी कॉन्क्रीट अटैक करके घोस्ट राइडर का सर या पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा बल्कि वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ घोस्ट राइडर के पास हेल फायर है और वो अपनी हेल फायर का यूज करके थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है, इसलिए कैंग की कोई भी वेपन घोस्ट राइडर तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएगी। और घोस्ट राइडर अपनी इस हेल फायर का यूज करके कैंग की वेपन्स, कैंग के आर्मर और खुद कैंग तक को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जिनके सिर्फ टच होते ही वो कैंग की सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय, हेल में ट्रैप या अब्सॉर्ब भी कर सकता है। और अगर फाइट के बीच में कैंग गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लेता है तो घोस्ट राइडर बगैर अपनी जगह से हिले पैनिस्टर्स के थ्रू एक ही सेकंड में कैंग की सोल को अब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि कैंग इससे नहीं मरेगा और कैंग का आर्मर उसके कॉन्शियसनेस को उसके दूसरे क्लोन में शिफ्ट कर देगा, पर फिर भी ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट घोस्ट राइडर के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम घोस्ट राइडर से क्या ही कंपेयर करोगे। और इवन कॉमिक्स में भी कई बार घोस्ट राइडर और कैंग के बीच में फाइट हो चुकी है जिसमें हर बार घोस्ट राइडर ने इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं किया है और कैंग घोस्ट राइडर से बहुत बुरे तरीके से हारा। इन दी एंड कैंग ना ही घोस्ट राइडर को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि घोस्ट राइडर कैंग को मार भी सकता है और हरा भी सकता है, इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर। तो बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें थॉर की तो थॉर एस्गार्ड का गॉड और ओडिन का बेटा है जो कि पूरे नॉर्यांस का प्रोटेक्टर है। क्योंकि थॉर एक गॉड है इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर इमॉर्टल तो नहीं है पर उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी स्लो एजिंग की वजह से थॉर पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा। थॉर गॉड ऑफ थंडर है इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास उरु मेटल से बने हुए स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा अटैक और एनर्जी ब्लास्ट भी उसका
कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है, जो कि इमोर्टल बीइंग सब को केल कर सकता है। और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थानोस का सीना चीर चुका है। तो ये थी थॉर की पावर्स। और थॉर और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो थॉर एक गॉड है जो कि बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और उसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है, जबकि कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने अटैक और एडवांस वेपन्स पे। पर थॉर एक गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का थॉर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि कैंग न्यूट्रॉन स्टार को जेब में लेके नहीं घूमता। जबकि थॉर अपने एक ही सुपर पावर लाइटिंग अटैक में कैंग की वेपन आर्मर और अटैक को ओवरपावर्ड कर सकता है। कैंग टाइम में आगे पीछे जाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर सकता है, पर इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर कैंग के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं होगा, जबकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इमोर्टल बीइंग सबको केल कर सकता है। और क्योंकि कैंग फ्यूचर से आया हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसलिए वो थॉर के एक डायरेक्ट हिट को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कॉमिक्स में भी कई बार थॉर और कैंग की फाइट हो चुकी है, जिसमें रीजंस तो अलग अलग थे पर रिजल्ट हर बार सेम ही था, जिसमें थॉर ने हर बार कैंग को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम में पीछे जाकर थॉर को पैदा होते ही मारने की कोशिश करे, पर अगर वो ऐसा करता है तो उसका सामना ओडिन से होगा, और मुझे नहीं लगता कि कैंग ओडिन से फाइट लेने की कोशिश भी करेगा। हालांकि थॉर कैंग को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो कैंग की उस बॉडी को मार भी देगा तो उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, पर फिर भी वो इस फाइट को इजिली जीत सकता है। और मार्वल का ये सुपर विलन जो कि मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है, थॉर उसे मल्टीवर्स से तो नहीं पर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स से एक अटैक में इरेज कर सकता है। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।